इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर। आप जब भी कोई वीडियो देखें मोबाइल से आंखों की दूरी 25 सेंटीमीटर हो जिससे आंखों को नुकसान ना पहुंचे। आपका चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन चल रहा है, चैप्टर आपका डॉक्टर प्रिपरेशन। देखिए ये जो टॉपिक याद आपका इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिए। आज ये क्या है, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ गया। राइट डाउन द स्टेप्स टू कन्वर्ट द बाइनरी नंबर टू डेसिमल एंड ऑक्टल नंबर। देखिए आपको पता है हम सीख रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का यूज करते हैं कैलकुलेशंस करने के लिए, डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आपको कैसे कैसे चेंज करना है, देखिए सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करनी है ईच बाइनरी नंबर विद टू, यानी जो भी आपको नंबर दिए गए हैं। आपको पता है बाइनरी नंबर कौन से होते हैं, जो जीरो और वन से मिलकर बनते हैं। आपको पता है कंप्यूटर केवल समझता है मशीनी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज के अलावा वो कोई सी भाषा नहीं समझता। तो जो भी आपको बाइनरी नंबर दिए हैं, यानी बाइनरी नंबर कौन से हो गया, तो जीरो होगा या फिर वन होगा, उसको मल्टीप्लाई करना है टू से विद द पावर जीरो फॉर यूनिक पोजिशन। यानी जो आप देखते सर मैथ में करते पहले कहता है वंस टेंस हंड्रेड, तो वंस पे क्या आएगा टू की पावर जीरो। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो नंबर दिए हुए, तो मुझे वन वन, तो सबसे पहले टू की पावर जीरो मल्टीप्लाई बाय वन प्लस टू की पावर क्या है इस बार वन, यानी इंक्रीज द पावर वन बाय वन। जो भी आपकी पावर है आपको इंक्रीज करनी है वन बाय वन, एक एक स्टेप आपको आगे बढ़ना है। विद द बेस फिक्स्ड एज टू, यानी बेस कितना रहेगा, बेस केवल आपका टू ही रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं बेस कितना है टू है, टू की पावर जीरो, टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, इस तरीके से। ऑल द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन आर एडेड, जो भी आंसर आया है, यानी टू की जो पावर जीरो होती है उसका वैल्यू होती है वन। टू की पावर जीरो का मतलब क्या बताया मैंने आपको वन, और वन की वन करेंगे तो आंसर क्या आएगा वन। उन सबको क्या करोगे आप ऐड कर दोगे, और ऐड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आप बाइनरी नंबर को चेंज कर सकते हैं डेसिमल नंबर में। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात करते हैं एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन। देखिए ये क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर टू द बाइनरी। आपको कोई भी डेसिमल नंबर दिया गया है उसको चेंज करना है आपको बाइनरी में। आपको पता है डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है 10, और बाइनरी का बेस होता है आपका 2। क्लियर, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका 105 की जो बेस है वो है 10, को चेंज करना है बाइनरी में। बाइनरी में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से क्या कर देंगे इसके फैक्टर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 से मैंने फैक्टर लिए, 25 या 10, 22 या 4, ये आया है 1, 22 या 4 और 26 या 12 कुछ नहीं बचा तो 0, 230 या 26 0, 26 या 12 1 बचा तो 1, 23 या 6 कुछ नहीं बचा तो 0, 21 या 2 क्या बचा 1, और 2 से 0 नहीं बचा तो एज इट इज 1। अब आपको इसमें करना क्या है, विषय याद रखना है बॉटम टू अप, यानी जो आपकी जो एरो आएगा वो नीचे से ऊपर की ओर आएगा, और आपको इसी क्रम में लिखना है 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1। का बेस कितना है 2। इस प्रकार आप किसी भी नंबर को आप चेंज कर सकते हैं बाइनरी में। उसके लिए आपको उसके फैक्टर्स निकालने होंगे, फैक्टर यानी आप 2 से क्या करोगे उसको डिवाइड करते चले जाएंगे। अगर पूरा पूरा फैक्टर निकल जाता है तो 0 नहीं तो क्या आएगा 1 आएगा। ये क्वेश्चन आपको घर से करके लेके आना है, 973 को चेंज कर लाना है डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में। आज के लिए इतना ही है, ये वर्क आपको अच्छे से समझना है, उतारना भी है। थैंक यू।